सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है और इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की जंग। सलाह देने वाले बहुत है, साथ देने वाला कोई नहीं। सहन करने वाला ही जानता है कि वो किस दर्द में है। दुनिया तो बस उसकी झूठी हंसी देखती है। आज का पंचांग 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि सुबह 4:14 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 4:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:51 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:45 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। मकर राशि 12 सितंबर 2020 दिन शनिवार। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ उनकी गतिविधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा। आपके व्यक्तित्व की समक्ष आपकी विरोधी टिक नहीं पाएंगी। किसी धार्मिक संस्था द्वारा आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। काम का फल दोगुना मिल सकता है। घर के सदस्य को पेट संबंधित तकलीफ हो सकती है। छोटा मोटा ऑपरेशन करने की भी जरूरत होगी। पुरानी वस्तु मूल्यवान साबित होगी। परिवार पर किसी न किसी कारण से ज्यादा खर्च होगा। घर के दरवाजे पर पीले रंग का कपड़ा लगाने से मुश्किलों से राहत मिल सकती है। यह समय अच्छी किस्मत का है। सलाहकार की मदद से कुछ लाभ मिल सकता है। कोई नई योजनाएं भी शुरू की जा सकती है। योजनाओं पर काम करें लेकिन सावधान रहें कि आप कैसे पैसे खर्च करते हैं और उससे कितना फायदा है। आप हमेशा सार्थक बातें करते हैं पर आज कुछ ऐसा करेंगे जो पूरी तरह से नया होगा। सहकर्मी या अन्य साथी आपकी सहायता करेंगे। स्वयं को विभिन्न कामों में न उलझाएं। प्राथमिकताओं को सबसे पहले पूरा करें और योजना के अनुसार काम करने का प्रयास करें। जीवन बहुत छोटा है इसीलिए पूरे जोश से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। सावधानियां, कोई भी योजना बनाने से पहले उस पर पुनर्विचार करना अति आवश्यक है क्योंकि जरा सी गलती आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधित तैयारी करने में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। लव लाइफ की बात करते हैं। प्रियजनों को आज आपकी आवश्यकता है। आप एक जागरूक प्रेमी हैं और आज का दिन कुछ नया करने के लिए उपयुक्त है। आपके दोस्तों और रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। आपके प्रेम में एक नयापन है और आप दोनों अपने रिश्ते को नया रूप देंगे। आप स्वयं अपने रिश्ते को विकसित कर सकते हैं इसीलिए दूसरों पर विश्वास ना करें। करियर की बात करते हैं। अपनी शक्ति व कमजोरी को जाने और कमजोरियों को सुधारने की दिशा में प्रयास करें। आपका सकारात्मक और कभी ना हार मानने वाला रवैया आपकी पहचान है जिससे लोगों के बीच आप प्रसिद्ध हैं। आप आज को सार्थक कर रहे हैं और आपके ग्रह बता रहे हैं कि आज आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। अपने सहकर्मियों के समर्थन के साथ आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। अपनी प्राथमिकताओं का खास ख्याल रखें। याद रखें, सफलता आपके पास चलकर नहीं आती बल्कि आपको उसके पास जाना पड़ता है। सेहत की बात करते हैं।
आप सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से लाभ उठाएंगी। ध्यान रहे कि जो छवि हम अपने दिमाग में बनाते हैं उसका हमारी सेहत पर बहुत असर पड़ता है, इसलिए सकारात्मक सोच अपनाएं ताकि लाभदायक फल मिले। आप ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और लगातार उसे पाने का प्रयास करते रहें। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।